हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नेम इज़ वर्क अराउंड मी. यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है. आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशंस परफॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको 8 ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, तो उसमें आपको सभी के ऑक्यूपेशंस को फिल करना है. ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय, जो वो काम करते हैं. सबसे पहली पिक्चर है डॉक्टर की. सेकेंड, जो खदानों में काम करते हैं उनको क्वेरीमैन कहते हैं. थर्ड पिक्चर पोस्टमैन की है. फोर्थ पिक्चर फायरमैन. फिफ्थ पिक्चर में पुलिसमैन है. और सिक्स पिक्चर में वो हेयर कट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बार्बर. एंड सेवन्थ पिक्चर सेलर की है. जो जहाज़ पर काम करते हैं, शिप पर, उसे हम सेलर कहते हैं. और यहाँ लास्ट पिक्चर है कुक की. होटल्स में खाना बनाते हैं, उन्हें हम शेफ़ कहते हैं. तो अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. एवरीबडी हैज़ टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग. हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए या फिर अपनी लाइफ जीने के लिए वर्क करना पड़ता है, जिससे वो पैसे कमाते हैं. तो सभी को पैसा कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत रहती है. द वर्क्स वी डू बिकम ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. तो इस वर्क को ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहते हैं, मतलब व्यवसाय. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस. यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय होते हैं. पीपल अर्न मनी बाय डूइंग वर्क. लोग काम करके पैसे कमाते हैं. ऑल ऑफ अस नीड अदर्स टू हेल्प अस इन डिफरेंट वर्क्स. हम सभी को हमारे अलग अलग कामों के लिए दूसरों के हेल्प की ज़रूरत रहती है. वी कैन नॉट डू ऑल आवर वर्क आवर सेल्फ्स. हम सारे काम अपने, जितने भी काम होते हैं, उन्हें अपने आप सारे काम नहीं कर सकते. हमें दूसरों की हेल्प तो चाहिए ही होती है. द पीपल हु हेल्प अस आर नोन एज हेल्पर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स. जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें हम हेल्पर कहते हैं, या फिर कम्युनिटी हेल्पर, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं. अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जो हमारे डेली रूटीन में हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं. इनकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. अलग अलग कामों में अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है. सम पीपल वर्क टू मेक थिंग्स. कुछ लोग सामान बनाते हैं, जैसे अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस. तो कारपेंटर फर्नीचर बनाता है. अ पॉटर मेक्स अर्दन पॉट्स फॉर अस. पॉटर मतलब कुम्हार. अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. अ टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर अस. टेलर हमारे लिए कपड़े सिलते हैं. अमेजोन बिल्ड्स हाउसेस फॉर अस. मेजोन मतलब जो मिस्त्री होते हैं, मकान बनाते हैं, वो हमारी मदद किस में करते हैं? घर बनाने में. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. सम पीपल वर्क बाय सेलिंग डिफरेंट थिंग्स. कुछ लोग अलग अलग सामान बेचते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर क्या दी है? ग्रीन ग्रॉसर, मतलब सब्जी बेचने वाला. तो सब्जी बेचने वाला सब्जियां बेचता है, जिससे हमारे घर में अलग अलग सब्जियां बनती हैं. नेक्स्ट पिक्चर है अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिंस. केमिस्ट मतलब दवाई वाला, जो दवाइयां बेचता है. मेडिकल की शॉप होती है ना, उसे केमिस्ट शॉप भी कहते हैं. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? सम पीपल वर्क टू रिपेयर डिफरेंट थिंग्स. अब कुछ लोग रिपेयर करते हैं, जो सामान टूट जाता है, फट जाता है, उसे रिपेयर करके देते हैं. अ कॉबलर रिपेयर्स शूज़. कॉबलर शूज़ को रिपेयर करता है. अ प्लम्बर रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स. जो नल और पाइप्स को रिपेयर करता है, उसे प्लम्बर कहते हैं. मैनी अदर पीपल हेल्प अस बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स. अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग काम करके हमारी मदद करते हैं. जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स, टीचर, म्यूजिशियन, बेकर, ये सब डिफरेंट थिंग्स करते हैं, जिससे हमारी हेल्प होती है. सम पीपल हु एंटरटेन अस आर म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर, क्लोन एट्सेट्रा. कुछ लोग जो हमें एंटरटेन करते हैं, जो हमारा मनोरंजन करते हैं, वो हैं म्यूजिशियन है, सिंगर, एक्टर्स, क्लोन मतलब जोकर, ये सब हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं. मैन पीपल लव गेम्स एंड मेक स्पोर्ट्स एज देयर हॉबी एंड देयर ऑक्यूपेशन. अब कुछ लोग गेम्स को पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स बनाते हैं अपनी हॉबी के तौर पर,
और उसे अपने ऑक्यूपेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से उनकी अर्निंग होती है। तो कुछ लोग स्पोर्ट्स के द्वारा भी अर्निंग करते हैं। सम पीपल हु हेल्प द कम्युनिटी फॉर फ्री एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न आर कॉल्ड सोशल वर्कर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए फ्री में मदद करते हैं और अपने रिटर्न में कुछ भी नहीं लेते, उन्हें हम सोशल वर्कर कहते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता। आप लोगों ने NGOs के बारे में सुना होगा ना, अनाथ आश्रम है, तो वो दूसरों की मदद करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते, उन्हें हम सोशल वर्कर कहते हैं। आफ्टर वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। अब काम करने के बाद रिलैक्स करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द टाइम विच वी यूज़ टू रिलैक्स अवर सेल्फ इज कॉल्ड लीजर टाइम। अब ऐसा समय जो हम रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लीजर टाइम कहते हैं, मतलब आराम का समय। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने काम और आराम के समय के बीच में बैलेंस बनाकर रखें। वी कैन हैव हॉबीज़ इन लीजर टाइम। अब हम लीजर टाइम में अपनी हॉबीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं।